नागरिकता कानून के लागू होने के बाद देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी आस जगी है। ऐसे ही बुलंदशहर में रह रहे दशकों से लोग जो कि अब उनकी आस जगी है कि उनको भी अब भारत की नागरिकता मिल सकती है। बुलंदशहर में एक दर्जन से ज्यादा ऐसी पाकिस्तानी बेटियां हैं जो पिछले 3 दशकों से भारत में रह रही हैं, बावजूद उनको अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया तो उसके बाद इन बेटियों में न सिर्फ आस जागी बल्कि इन्होंने भी नागरिकता के लिए आवेदन किया है। CAA और NPR को लेकर जहां देश में अभी भी बहस छिड़ी हुई है, विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से बनाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद उन तमाम लोगों में आज जग गई है जो या तो भारत में शरणार्थी हैं या फिर लॉन्ग टर्म वीजा पर देश में आए थे। यूपी के बुलंदशहर में भी 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारत में नागरिकता पाने के लिए पिछले काफी साल से जद्दोजहद कर रहे थे, मगर CAA लागू होने के बाद इन लोगों में एक बार फिर नागरिकता पाने की आस जगी है। आपको हमने नेशनलिटी के लिए वो कर लिया है, अप्रूव हो गई है आपकी नेशनलिटी, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट ख़त्म करवा दें। हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके वहाँ पे सबमिट करवाया, वहाँ से हमने वहाँ पे 6 महीने बाद उन्होंने हमें NOC दी। NOC देने के बाद हमने ला के यहाँ पे उनको दिए, 10,000 रुपये जमा कराए। अब 1.5 साल हो गए हैं, उसके बाद कोई अता पता नहीं है हमारे उसका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हम बगैर, ना तो हम अब इंडियन हैं और ना ही हम पाकिस्तानी हैं। दस्तावेजों को खंगालती ये महिलाएं पाकिस्तान की बेटी और हिंदुस्तान की बहुएं हैं। इनमें से किसी ने 10 साल तो किसी ने 30 साल पहले निकाह कर पाकिस्तान को छोड़ दिया और हिंदुस्तान में ही आ बसी। बुलंदशहर में 24 पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबे समय से पाकिस्तानी एम्बेसी समेत सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली। अब इन महिलाओं को PM नरेंद्र मोदी से ही काफी उम्मीद लगी हुई है। मोदी सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझे जल्द अज जल्द यहाँ की नागरिकता दिलवाएं और मुझे यहाँ पर हमारी रिहाइश हो सके और हम अपने घर भी अब मिलने के लिए जाना चाहते हैं। और मुझे इसमें बहुत डिप्रेशन है कि बहुत साल से मैं अपने घर नहीं गई हूँ, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए तरसते हैं कि आ जाओ बेटा मुझे देख जाओ, बहुत दिन हो गए तुम आई नहीं हो। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा काम जल्द अज जल्द करवाया जाए। और ये CAA कानून के बाद में भारत सरकार और विशेष रूप से मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ तहे दिल से कि जितनी पाकिस्तान की बेटियाँ यहाँ बहू बन के आई हैं, उनका अपना त्याग और बलिदान को देखते हुए, उनके परेशानियों को देखते हुए, मानवता सर्वोपरि रखते हुए, परम धर्म को निभाते हुए, भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी हम सभी को, जिनकी फाइल कंप्लीट हो गई है, उनको तत्काल प्रभाव से दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें कि हमें नागरिकता हो जाए ताकि हमारे परिवार के तनाव खत्म हो जाए। लगभग 3 दशकों से बुलंदशहर में रह रही पाकिस्तानी बेटी फाकरा बताती है कि वो शादी के बाद भारत आई थी, भारत में उनकी शादी हुई और उन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया। जो बच्चे उनकी कोख से पैदा हुए उन्हें नागरिकता मिल गई, लेकिन 3 दशकों में अभी तक भी फाकरा को नागरिकता नहीं मिल सकी थी। लेकिन जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया तो उसके बाद इन बेटियों में भी आस जागी है। फाकरा बताती हैं कि इनके द्वारा अब आवेदन किया जा चुका है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करने के बाद जो आवेदन करता है उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। जहां देश में नागरिकता कानून लागू होने के बाद लंबे समय से नागरिकता की जद्दोजहद में जुटे पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारतीय नागरिकता मिलने की आस जगी है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि आवेदकों को नागरिकता मिल सके इसका हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। जो एक्ट में प्राविधान है और जो वर्तमान में कानून होंगे उन कानूनों और अधिनियमों के तहत जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 10 जनवरी को केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होते ही यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि वो इस कानून को सबसे पहले लागू करेंगे। सूबे में शरणार्थियों की पहचान भी शुरू हो गई है। ऐसे में इन लोगों को आज जगी है कि इनके साथ ही इंसाफ होगा। फाकरा के अलावा भी कई ऐसे विदेशी नागरिक बताए जाते हैं जो बुलंदशहर यानी भारत में रहते हैं।
और अब वो भारत में नागरिकता चाहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान की भी एक मुस्लिम बेटी बताई जाती है जो भारत ब्याह कराई थी, लेकिन उसे भी अभी तक नागरिकता नहीं मिल सकी थी। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अब मोदी सरकार से इन्हें कई उम्मीद और आस लगी है। आवेदन किया जा चुका है और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन विदेशी नागरिकों को भारत में कब तक नागरिकता मिल पाती है। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी कपिल सिंह के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।